आज के समय में दोस्तों दुबई दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगहों में से एक बन गई है। दुनिया के हर कोने से पर्यटक दुबई का दीदार करने के लिए आते हैं। आज से 4 दशक पहले दुबई में सिर्फ एक ही बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। इसके अलावा यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। 1980 के दशक में दुबई की अर्थव्यवस्था अपने तेल भंडार के कारण लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन दुबई के शेख ये बात जानते थे कि तेल के भंडार से एक सीमित समय तक ही कमाई की जा सकती है। दुबई को कुछ और अल्टरनेटिव तलाशने की जरूरत है, जिसके बाद यहाँ पर कई मानव निर्मित आइलैंड्स बनाए गए। इनमें 3 पाम आइलैंड सबसे प्रमुख थे और साथ ही द वर्ल्ड आइसलैंड भी बनाया। इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। ये आइलैंड खुद भी डूब रहे और दुबई की अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम भी इन्होंने ही किया है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाले आइलैंड पर कोई क्यों नहीं रहता है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गए? कैसे इस आइलैंड को बनाने का काम शुरू किया गया था और क्यों ये सभी प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1980 के दशक के दौरान दुबई जब अपना तेल बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, तभी वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनके भाई शेख हमदान बिन राशिद के दिमाग में ये बात बैठ गई कि कुछ सालों में जब उनके तेल के भंडार समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद कमाई का कोई भी जरिया नहीं रहेगा, क्योंकि दुबई पूरी तरह से रेगिस्तान पर बसा हुआ है। इसीलिए वहाँ पर खेती करना संभव नहीं है और तेल के अलावा अन्य कोई प्राकृतिक संसाधन भी अखाड़ी देशों के पास नहीं है। इसलिए शेख ने दुबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान तैयार किया। ये दुबई को एक ऐसे शहर के तौर पर विकसित करना चाहते थे जो पूरी दुनिया में शॉपिंग से लेकर रियल एस्टेट तक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर सके और हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक को अपने देश में आकर्षित कर सके। दुबई में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाने लगा। कुछ सालों में दुबई में इतनी गगनचुंबी इमारतें बनकर तैयार हो गई और इतने सारे बिल्डिंग्स और होटल्स बन गए कि वहाँ पर जगह ही नहीं बची। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि वह अपने समुद्र पर आइलैंड बनाएंगे। पहले तो लोगों को शेख की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सन 1993 में जब दुबई में बुर्ज अल अरब बनाने की शुरुआत की गई, उसी समय मेन मैड आइलैंड का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। लेकिन समुद्र के ऊपर नए आइलैंड बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दुबई ने दुनिया भर से इंजीनियर्स बेस्ट आर्किटेक्ट को अपने देश में बुलाया और पाम ट्री के आकार में 3 आइलैंड बनाने का प्लान तैयार हुआ। शेख मोहम्मद दुबई के अर्थव्यवस्था को तेल के भंडार के बजाय टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। बस फिर क्या था, साल 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा इंडस्ट्री का काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए समय सीमा 5 साल रखी गई। ऊपर से देखने पर इस पूरी इंडस्ट्री का शेप पाम ट्री जैसा नजर आता है। इस आइलैंड के बनते ही यहाँ की जगह बिकनी शुरू हो गई। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और बिजनेसमैन दुबई के मानव निर्मित आइलैंड पर प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। इसके बाद दुबई ने साल 2002 में पाम जुबेल अली आइलैंड पर काम करना शुरू किया और साल 2004 में पाम डेरा का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पूरा हो पाया, जो है पाम जुमेरा आइलैंड। इसके बीच साल 2003 में एक और मैन मेड आइलैंड बनाने का काम शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया था द वर्ल्ड आइसलैंड। ये दुबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 300 छोटे बड़े आइसलैंड से दुनिया का नक्शा तैयार किया जाना था। इस प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इनकी 60% प्रॉपर्टी तो बनते बनते ही सेल हो गई। लेकिन यहाँ आइलैंड खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि एक आइलैंड की कीमत 115 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक थी। इन सभी आइलैंड को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर और रेत की जरूरत थी। इसके लिए एक ऐसे पत्थर को तलाशा गया दोस्तों, जो पानी में कई सालों तक स्थिर रह सके। दुनिया भर के सैंपल की जांच की गई। इनमें मध्य प्रदेश के ग्रेनाइट पत्थर के सैंपल्स भी जांच में पास हो गए और हमारे देश से भी हजारों लाखों टन पत्थर दुबई पहुंचाया गया। साथ में इंजीनियर्स ऐसी रेत की तलाश कर रहे थे जो आसानी से पानी के साथ ना बह सके। वैसे तो भैया दुबई में रेत की कोई कमी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान की रेत बहुत ही आसानी से पानी के बहाव में बह जाती है। दुबई के इन आइलैंड को बनाने में 7 लाख टन से ज्यादा चट्टानों और 120 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा रेत की जरूरत पड़ी। समुद्र के ऊपर इस तरह का कुछ निर्माण करना एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जैसा था, लेकिन दुबई ने उस समय सिर्फ डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया और पर्यावरण या प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे दुबई के सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक बर्बाद होते चले गए।
हालांकि इसमें पाम जुमेरा आइलैंड का नाम शामिल नहीं है। पाम जुमेरा आइलैंड 5.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे दुबई के समुद्री तट में 56 किलोमीटर का इजाफा हो गया। साल 2006 में पाम जुमेरा का काम लगभग पूरा हो गया था। यह आइलैंड जब बनके तैयार हुआ तो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। दुनिया भर के पर्यटक के बीच इस आइलैंड को देखने के लिए मानो होड़ ही मच गई। यहाँ का अटलांटिस होटल सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। 1 से 1 करोड़पति लोग रिलैक्स करने के लिए दुबई आने लगे और आज भी पाम जुमेरा आइलैंड दुबई में पर्यटक के बीच काफी फेमस है। लेकिन वही दूसरी ओर पाम जुबेल अली आइलैंड और अन्य आइलैंड में समस्याएं आने शुरू होगी। पाम जुमेल अली को सबसे पहली मार 2008 में वैश्विक मंदी के कारण पड़ी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उस समय चरमरा गई थी, जिस कारण इस आइलैंड का काम भी बंद कर दिया गया। 2 साल के बाद जब दुबई वैश्विक महामंदी से उभरने लगा, तब तक इन्वेस्टर और आइलैंड बनाने वाली कंपनी को काफी नुकसान हो गया था और पिछले 12 साल से आइलैंड ऐसे ही वीरान पड़ा है। इतना ही नहीं, ये आइलैंड धीरे धीरे पानी में डूब रहे। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर के पिघलने के कारण यहाँ के समुद्री तटों पर से रेत लगातार बह रही है। कुछ ऐसे ही हाल पाम डेरा आइलैंड के साथ ही देखने को मिला। साल 2013 में इस आइलैंड का नाम बदलकर डेरा आइलैंड कर दिया गया। इस आइलैंड को बनाने का मकसद दुनिया की सबसे बड़ी नाइट लाइफ बनाना था। क्लब, बार, रेस्टोरेंट्स, न जाने क्या क्या इस आइलैंड पर बनाया जाना था। इसके लिए इस आइलैंड को 4 हिस्सों में बांटा गया और 4 छोटे आइलैंड के समूह को मिलाकर एक बड़ा आइलैंड बनाने की योजना बनाई जाने लगी। लेकिन यहाँ पर भी रेत बहने की समस्या खड़ी हो गई। उन्हें रोकने के लिए तटों के पास दीवारें बना दी गई। लेकिन प्रकृति से जीतने में भला कौन कामयाब हुआ है? द वर्ल्ड नाम के आइलैंड पर जहाँ लगभग 300 छोटे आइलैंड बनाए जाने थे, उसका काम भी वैश्विक मंदी के कारण ढीला पड़ गया और तब से लेकर आज तक इन 300 में से सिर्फ 9 आइलैंड ही बन के तैयार हो पाए। कुछ आइलैंड तो पूरी तरह से पानी में समा गए। असल में इंजीनियर्स ऐसा डिजाइन नहीं तैयार कर पाए जैसा प्लानिंग की गई थी। आप यहां देख सकते हैं कि आज के समय में यह आइलैंड कैसा लगता है, जबकि प्लानिंग के समय की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। ये बिल्कुल भी दुनिया के नक्शे जैसा नजर नहीं आ रहा था। इन आइलैंड पर लग्जरी विला, रिसोर्ट और कई शानदार होटल बनने थे, लेकिन सारा का सारा काम धरा का धरा रह गया। साल 2010 में पेंगुइन मरीन नाम की एक कंपनी ने इस मैन मेड आइलैंड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। इसमें पर्यावरण को नुकसान जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया गया था। साथ ही केस में ये भी बात सामने आई थी कि इन सभी प्रोजेक्ट के लिए EIA की परमिशन नहीं ली गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक संस्था है जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में रिसर्च करती है और बाद में एक समरी और रिपोर्ट पेश करके बताती है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन मैन मेड आइलैंड को बनाने में किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि ये दुबई सरकार की अपनी ही कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। इसलिए नकीर प्रॉपर्टीज पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और पेंगुइन मरीन कंपनी केस हार गई। लेकिन किसी भी केस में जीत या हार से सच्चाई बदल नहीं जाती। जुबेल अली और वर्ल्ड आइसलैंड आज भी हर 5 किलोमीटर की औसत दर से पानी में समा रहे, जो वैश्विक दर से 3.6 से भी 1.5 गुना है। द वर्ल्ड आइसलैंड में दुबई ने $14 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए थे। यह रकम इतनी ज्यादा है कि इससे 9 बुर्ज खलीफा या 13 बुर्ज अल अरब जैसे होटल्स तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही इन आइलैंड को बनाने के दौरान यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के साथ ही बहुत ही अमान्य तरीके से व्यवहार किया गया। मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। उनसे दिन में 16 घंटे काम कराया जा रहा था और 2 वक्त का खाना भी उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा था। इतना ही नहीं, 2 लोगों के कमरे में 15 से 20 मजदूरों को ठहरने के लिए कहा गया। 2014 में पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी, जिसे दुबई को एक बड़ा झटका लगा था। और इन प्रोजेक्ट की फेल होने में एक मुख्य कारण ये भी है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा। दुबई को एक न एक दिन मिलना ही था, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा ये बात कोई नहीं चाहता था। इन प्रोजेक्ट के अलावा दुबई एक और प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला था, जिसका नाम भी यूनिवर्स आइलैंड रखा जाना था। उस प्रोजेक्ट के तहत चांद, सूरज, मिल्की वे, सितारे और सौर मंडल सहित अन्य कई शेप के मैन मेड आइलैंड बनाए जाने थे। लेकिन अफसोस, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज दुनिया में दुबई की एक अलग ही पहचान है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के एकमात्र 7-स्टार होटल बुर्ज अरब तक कई शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई ने बनाए, जिन्हें देखने हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। डायनेमिक टावर जो घूमने वाली बिल्डिंग होगी, उस पर दुबई आज काम कर रहा है। ऐसे में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई में निर्माण आदि ने
यानी एक दशक के भीतर दुबई आज के मुकाबले और भी ज्यादा डेवलप नजर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।